और आज मैं बनाने जा रही हूँ मैदा वाली मीठी मठरी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और जब कभी आपका कुछ मीठा खाने का मन हो तब आप इसे बना सकते हैं। तो फिर चलिए मीठी मठरी बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं बनाने जा रही हूँ मीठी मठरी। ये बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाती है और आप इसे किसी त्यौहार पर भी बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं मीठी मठरी बनाने में हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। मीठी मठरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा ली है, ये देखिए 2 कप ही मैंने यहाँ पर शक्कर ली है, थोड़े से मैंने यहाँ पर पिस्ता कतरन ली है, 2 बड़े चम्मच देसी घी। तो फिर चलिए मीठी मठरी बनाना शुरू करते हैं। मठरी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाशनी बनाकर तैयार करनी है। तो अब हम सबसे पहले बर्तन में ये जो शक्कर है इसे डाल देंगे और 2 कप शक्कर के लिए मैं यहाँ पर 1 कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब हम इसे गर्म होने देंगे और इसे लगातार चलाते हुए 10 से 12 मिनट के लिए पकने देंगे और इसकी 2 तार की चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर चाशनी को पकाते हुए मुझे लगभग 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और हमारी 2 तार की चाशनी बनकर तैयार है। आप चाहें तो आप इसकी 1 ड्रॉप बाउल में डालकर भी चेक कर सकते हैं। और अब हम मठरी के लिए आटा गूंथकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए जो मैदा है इसे डाल देते हैं परात में। ये देखिए और अब हम इसमें डालेंगे देसी घी। मैदा और घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से। तो ये देखिए यहाँ पर मैदा और घी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर इसका आटा गूंथकर तैयार करेंगे। इसके लिए हमें सख्त आटा गूंथकर तैयार करना है। तो अब हम आटा गूंथ लेते हैं और ये देखिए मठरी के लिए मैंने आटा गूंथकर तैयार कर लिया है और आप देख सकते हैं ये बहुत ही सख्त आटा गूंथकर मैंने तैयार किया है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं अलग बाउल में और इसे रख देते हैं ढककर 10 मिनट के लिए, जिससे कि आटा अच्छे से सेट हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं मुझे और आटा अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं बाहर और अब हम इसे 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे और अब इसकी पूरी बराबर की छोटी छोटी लोई बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरह से, तो इस तरह से हम सभी लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लोई बनाकर तैयार कर ली है, ये देखिए। और अब हम इसे पूरी के बराबर का बेल लेंगे। तो अब हम इसे बेल लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे बेल लिया है और अब हम इसे चाकू की नोक से इस तरह से प्रेस कर लेंगे, जिससे कि ये जो हमारी मठरी है फूलेगी नहीं। और इसी तरह से सभी मठरी हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मठरी को मैंने बनाकर तैयार कर लिया है और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने पैन में ऑयल गरम कर लिया है, ये देखिए। तो अब हम इसमें मठरी डाल देते हैं। तो ये देखिए मठरी को मैंने डाल दिया है इसमें और अब इसे 2 मिनट के लिए हल्का सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए मठरी अब फ्राई हो चुकी है नीचे से और अब हम इसे पलट लेते हैं, जिससे कि ये दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई हो जाएगी।
तो ये देखिए मठरी में हल्का सुनहरा रंग आ चुका है, तो अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे पैन से, ये देखिए। और इसी तरह से सभी मठरी को हम फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो अब हम बाकी की बची हुई मठरी भी फ्राई कर लेते हैं। तो अब हम इसे डाल देते हैं ऑयल में। और ये देखिए मठरी को मैंने फ्राई कर लिया है और इसे अलग प्लेट में निकाल लिया है। और अब हम इसे चाशनी में डिप करेंगे। तो अब हम एक एक करके मठरी को हम चाशनी में डाल देते हैं। तो ये देखिए मैंने मठरी को चाशनी में डाल दिया है और अब इसे 5 मिनट के लिए चाशनी में ही छोड़ देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी मठरी बनकर बिल्कुल तैयार है और मैंने इसे बाहर निकाल लिया है प्लेट से। और अब हम इसकी पिस्ता कतरन से गार्निशिंग करेंगे। इस तरह से तो अब हम डाल देते हैं पिस्ता कतरन। तो ये लीजिए हमारी मैदा वाली मीठी मठरी बनकर तैयार है और बहुत ही टेस्टी मठरी बनकर तैयार हुई है। तो आप भी इसे ज़रूर बनाइए और मेरी इस रेसिपी को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।